हवाई जहाज का आविष्कार इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था, जिसने इंसान के रफ्तार को हवा से भी तेज और अब तो आवाज से भी तेज बना दिया। आज सुनहरे अक्षरों में हवाई जहाज के आविष्कार का पूरा श्रेय राइट ब्रदर्स को दिया जाता है। आप सब ने भी पढ़ा होगा कि 17 दिसंबर 1903 को ऑर्विल राइट और विल्बर राइट ने दुनिया का पहला एरोप्लेन बनाया और उसे सफलतापूर्वक उड़ाया। ये अमेरिकन इन्वेंटर थे, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि अमेरिका से पहले भारत में एरोप्लेन का आविष्कार कर लिया गया था। शिवकर बापूजी तलपड़े राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले एरोप्लेन को बनाकर उड़ा चुके थे। हो सकता है आप में से कईयों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि किसी भी किताब में इनके नाम का चर्चा भी नहीं है। वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा से भारत के आविष्कार को दबाते आ रही है, या फिर दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन जिसे महर्षि सुश्रुत ने किया था, या फिर सबसे पहला लॉ सिस्टम जिसे चाणक्य के समय बनाया गया था। इस तरह के हजारों आविष्कार का श्रेय भारत को कभी दिया ही नहीं गया। वेस्टर्न वर्ल्ड दुनिया में अपने आप को सुप्रीम मानती है, और इन्हीं सब कारणों से शिवकर बापूजी तलपड़े, जो एक मामूली से भारतीय आविष्कारक थे, उनके नाम को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। लेकिन आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, इन्हीं के रहस्य के बारे में जानेंगे। आखिर इनका एरोप्लेन कैसा था, ये काम कैसे करता था और उसका क्या हुआ, इन सब के बारे में जानेंगे। शिवकर बापूजी तलपड़े का जन्म 1864 में बॉम्बे में हुआ था। वो सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में इंस्ट्रक्टर थे। उन्हें बचपन से ही दो चीज़ों का शौक था, संस्कृत और एविएशन। वे आर समाज के भी मेंबर थे। कई इतिहासकारों के अनुसार तलपड़े दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन के आविष्कारक थे। उनके विमान का नाम मारुत सखा था, और ये विमान बॉम्बे के चौपाटी बीच पर सन 1895 में उड़ा था। इस उड़ान के कई सारे लिखित डॉक्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस उड़ान को जो लोगों ने अपने आँखों से देखा था, उनकी लिखित डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उस दिन विमान 460 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा था, यानी कि 1000 से 1500 फीट। माना जाता है कि तलपड़े का विमान कई तरह के धातु और बांस से बना था, और उनके विमान में ईंधन के रूप में मरकरी धातु का इस्तेमाल किया जाता था। आप सबको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में मरकरी का उपयोग काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। हजारों साल पहले ही शिवलिंग में मरकरी के अंश पाए गए हैं। प्राचीन काल के भारतीय वैज्ञानिक मरकरी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना जानते थे। हाल ही में अपोलो फ्यूजन नाम की एक रॉकेट कंपनी ने एक ऐसा इंजन का निर्माण किया है, जिसमें आयोन प्रोपल्शन सिस्टम के लिए मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। 1960 के दशक में ही नासा ने मरकरी की मदद से आयोन प्रोपल्शन सिस्टम बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। इस तरह के आयोन इंजन को बनाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आज हमारा विज्ञान इतना ज़्यादा विकास कर गया है, इसके बावजूद हम आज भी आयोन इंजन का सही तरीके से निर्माण नहीं कर पाए हैं। ये सचमुच हैरत की बात है कि तलपड़े ने इस तरह के इंजन का निर्माण कैसे किया था। शिवकर बापूजी तलपड़े के विमान की एक और खासियत थी कि ये विमान अनमैन्ड था, यानी कि जब वो उड़ान भरा था तो उसमें कोई भी इंसान नहीं बैठा था। इसे शिवकर बापूजी तलपड़े जमीन से ही कंट्रोल कर रहे थे। इसका मतलब ये दुनिया का पहला कंट्रोल्ड ड्रोन सिस्टम था। हालांकि 1848 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने इस तरह के अनमैन्ड ड्रोन को बनाने का जिम्मेवारी उठाया था, लेकिन वो अपने प्रयासों में असफल रहा था। उसने इंजन के रूप में स्टीम इंजन का प्रयास किया, जो कि काफ़ी भारी होता है, जिस कारण से वो असफल रहा। लेकिन उसकी कोशिशों को भी एविएशन हिस्ट्री में दर्ज किया जाता है, वैज्ञानिक उसको पहचानते हैं। लेकिन शिवकर बापूजी तलपड़े के इस आविष्कार को कोई नहीं जानता, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा। माना जाता है कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने विमान को बनाने के लिए विमान शास्त्र नामक किताब की मदद ली थी। इस किताब में विमान को बनाने की कला से जुड़े कई तरह के बात और विचार लिखे हुए हैं। कई सारे थ्योरीज उनके विमान से जुड़े हुए हैं कि आखिर उनका विमान गया तो गया कहाँ। कई लोग कहते हैं कि उनके विमान को अंग्रेज लेकर चले गए थे। कईयों के अनुसार उस विमान को आज भी HAL के द्वारा गुप्त रूप से अपने पास रखा गया है। हो सकता है
कि हम इस विमान के रहस्य को कभी जान ही नहीं पाए, हम जान ही नहीं पाए कि आखिर सच क्या था। लेकिन जो भी हो, आप अपने घर में अपने से छोटों को शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में जरूर बताएं और उन्हें प्रेरित करें। धन्यवाद।